आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, जिन्होंने डूगराओं को यहां से घसीट के निकाल, जिन्होंने जालिमों के खिलाफ हमेशा लड़ा। क्या 2014 में आप हुकूमत नहीं बना सकते थे? क्या पीडीपी से पहले आपको हुकूमत का मौका नहीं दिया गया? मगर हम पीछे रहे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, जिन्होंने डूगराओं को यहां से घसीट के निकाल, जिन्होंने जालिमों के खिलाफ हमेशा लड़ा। क्या 2014 में आप हुकूमत नहीं बना सकते थे? क्या पीडीपी से पहले आपको हुकूमत का मौका नहीं दिया गया? मगर हम पीछे रहे। मेरे साथ एक ईमानदार रहे, मुझे वही काफी है। हमें सूबेवारों की जरूरत नहीं है। उनके गाड़ियों के पीछे लाइनें लगी रहे। हमारी लड़ाई है इस कौम के वकार की, इस कौम की इज्जत की, जो 5 अगस्त 2019 को लूटी गई, डाकाजनी हुई 5 अगस्त 2019 को। इस कौम के लिए आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर नहीं है खाली, आप इस कौम के मुजाहिद हैं, जो इस कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई हार वाला कोई नहीं देखा, मैं कहता हूं हमने आपसे बदकिरदार कोई नहीं देखा। आपके वालिद ने इस तंजीम के साथ धोखा किया, आपने भी इस तंजीम के साथ धोखा किया। आपको इस तंजीम ने पहचान दिया, आप थे कौन? आपको फख्र होना चाहिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, जिन्होंने डूगराओं को यहां से घसीट के निकाल, जिन्होंने जालिमों के खिलाफ हमेशा लड़ा। क्या 2014 में आप हुकूमत नहीं बना सकते थे? क्या पीडीपी से पहले आपको हुकूमत का मौका नहीं दिया गया? मगर हम पीछे रहे। हमने कहा नहीं, हम इस कौम की सौदाबाजी नहीं करेंगे। क्या हम आज सौदाबाजी नहीं कर सकते? जो ये दिल्ली जाते हैं लोग, बड़े बड़े ऐवानों में बैठते हैं, क्या आपको लगता है अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चाहे, अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहे, वो नहीं जा सकते? रेड कार्पेट बिछेगा उनके लिए, मगर वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो इस कौम का सौदा नहीं करना चाहते। आप उस तंजीम के साथ वाबस्ता है। मैं कहता हूं कि अगर 5 अगस्त 2019 के बाद इस कौम की जिम्मेदारी किसी पर आयद हुई है, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हुई है, इसकी लीडरशिप पर हुई है, आप पर और हम पर हुई है। 5 अगस्त 2019 को इस कौम ने अपनी पहचान खोई, अपना झंडा खोया, अपना आईन खोई, मगर एक चीज अभी भी आपके पास है जिस पर रोज हमले होते हैं, वो ये लीडरशिप है और ये तंजीम है। इसकी हिफाजत कीजिए, इसको मजबूत कीजिए।